हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th का टॉपिक पढ़ते हैं, मैट्रिक्स डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, यानी कि एक सेट होगा जिसमें एम और एन नंबर्स होंगे, वे रियल या इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल अवे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड द एम बाई एन। एम बाई एन एक ऑर्डर होता है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, ये बाई बोला जाता है, एम बाई एन। तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा कुछ एलिमेंट्स, रो एंड कॉलम एक रेक्टेंगल अवे के अंदर लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल अवे बना हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इसमें इस के अंदर एलिमेंट को लिखना ही मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले इसको रो पढ़ते हैं। रो तो रो कितनी है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे इसको R1 लिखा जा सकता है, इसको R2 लिखा जा सकता है और R3 लिखा जा सकता है। यहाँ पर कॉलम कितने हैं, C1 C2। तो आपके पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका एक ऑर्डर बनता है जिसका हम ऑर्डर एम बाई एन बोला जाता है। तो सबसे पहले ऑर्डर के अंदर रो को पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलम को पढ़ा जाता है। लिखने का तरीका होता है एम बाई एन, यानी कि पहले रो लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/2। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए इक्वल एक रेक्टेंगल अवे ए आई जे। ए आई जे का मतलब है आई यहाँ पर नंबर ऑफ रो और जे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स पढ़ते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो बनती है या एक रो होती है, उसको क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल एक रेक्टेंगल अवे लिखा हुआ है, 1 2 -1 -2 इज रो में मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4। तो इसमें कितनी रो है, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम। तो इसे इसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसके अंदर केवल एक ही रो होती है, उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम मैट्रिक्स केवल एक कॉलम रखता है जिसका ऑर्डर 3/1 का होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, 1 2 -1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 का है। तो जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इच विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, 2 1 -1, 3 2 5 1 5 3 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है आपके पास इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं। टू मैट्रिक्स ए ए आई जे एम बाई एन एंड बी मैट्रिक्स है बी आई जे, जिसमें आर कॉमा एस बाई एस। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि इस मैट्रिक्स का कॉलम रो और इस मैट्रिक्स की रो कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होगी, यानी कि एम इक्वल एन होगा, और इस वाले मैट्रिक्स की कॉलम और इस वाले मैट्रिक्स की कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होंगी, यही बात लिखी है। तो कहने का मतलब है दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 और इधर भी ऑर्डर 2/2 का है, तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। तो सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर फोर, तो दो ऑर्डर इनके क्या है, सेम है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल -1, 2x + z = 5, 2x - 5 = 0, 3z + w = 13। तो क्या इधर का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होता है।
तो ऐसे चारों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। चार इक्वेशन निकल के आती हैं, एक्स माइनस वन इक्वल माइनस वन, टू एक्स प्लस जेड इक्वल फाइव, टू एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो, थ्री जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल थर्टीन। अब इनको क्या करना है, सोल्व करना है। इक्वेशन सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स माइनस वन इक्वल माइनस वन एंड टू एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो। तो दो इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा आसान काम है, इसलिए मैंने इसको सोल्व कर नहीं दिखाया आपको। तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, एक्स इक्वल वन एंड वाई इक्वल टू। तो यहाँ से x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, y इक्वल 2 आ रहा है। अब x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करके, सॉरी 2 में पुट करके आप अदर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 इन इक्वेशन 2x प्लस जेड इक्वल 5, तो यहाँ से z की वैल्यू 3 आ गई। अब z की वैल्यू 3 इन इक्वेशन 3z प्लस w इक्वल 13, तो यहाँ से W की वैल्यू 4 आ गई। तो आंसर जो आई, जो X की वैल्यू आ रही है 1, Y की वैल्यू 2, Z की वैल्यू 3 एंड W की वैल्यू 4। तो यहाँ से मुझे चार वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इसी तरह से आपके बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं। थैंक यू।